संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधु, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के पंचम अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब हम अध्याय 5 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन कॉस्मोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारी ब्रह्मांड की रचना संबंधी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अब देखो सबसे पहले क्या लिखा, लिखा क्योंकि कोई भी पुद्गल होगा तो उसमें सबसे पहला गुण स्पर्श ही होता है। स्पर्श के बिना कुछ नहीं होगा, स्पर्श के साथ ही सब गुण अपने आप उसमें रहेंगे। स्पर्श उसके लिए व्यापक है। परमाणु भी होगा तो उसमें कोई ना कोई एक स्पर्श जरूर होगा। 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं, गुरु लघु है ना, मृदु स्निग्ध और ठंडा गरम और हल्का भारी, लघु भी आगे हल्का भारी, रूखा चिकना प्याज, चार जोड़े हो जाते हैं है ना। बस ऐसे ही रस के भी 5 हैं, कौन कौन से, खट्टा मीठा कसैला तीखा और कड़वा, गंध में 2 गंध आ गई है ना, सुगंध और कलर में 4-5 कलर आ जाते हैं है ना, काला नीला पीला सफेद, काला नीला लाल पीला सफेद, 5 कलर हो गए। तो यही 4 गुण हैं पुद्गल के गुण कहलाते हैं, और इसी के माध्यम से यह सब दृश्यमान जगत में अगर हम देखें तो जिस किसी भी चीज का, आप देखो इसे बहुत अच्छी चीज है, वर्ण सूत्र में बिल्कुल एट लास्ट पर रखा हुआ है और स्पर्श जो है सबसे पहले रखा हुआ है, यानी स्पर्श बहुत व्यापक है ना, और वर्ण जो है बहुत स्थूलता की ओर हो जाता है। माने अगर हम किसी चीज को देख पा रहे हैं तो तभी देख पाएंगे उसका कोई वर्ण है। कलर को पकड़ करके तो हम उसको स्थूल हो गया, लेकिन बहुत से ऐसे पुद्गल है जिनका कलर पकड़ में नहीं आता लेकिन पुद्गल होते हैं तमाम तरीके की, जैसे हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है ना, लेकिन वो सब होती है। तो वो कभी स्पर्श से जानी जाएंगी, रस से जानी जाएंगी, गंध से जानी जाएंगी। जब कोई चीज बिल्कुल वर्ण के रूप में आ जाए, कलर के रूप में आ जाए, तब तो समझ लो बहुत है ना। ये स्पर्श से वर्ण तक की यात्रा पुद्गल की निरंतर शक्ति रहती। अब ये 4 प्रकार के गुणों को धारण करने वाला ही पुद्गल है, और इसी के अलावा जो कुछ भी है ना, तो साइंस इसको कहता है एक डार्क मैटर। यूनिवर्स के अंदर क्या है, डार्क मैटर है, जो कि कैसा है, उसमें कोई भी टच टेस्ट स्मेल कलर कुछ नहीं होता है ना, और एक तरीके से फॉर्मलेस होता है। तो अमूर्त द्रव्यों के बारे में भी कहीं ना कहीं विज्ञान जानने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उसको उसने डार्क मैटर कह दिया। तो वह अमूर्त क्या है, जो पुद्गल के बिना है, वो सारा का सारा अमूर्त है। इस तरह से आप पुद्गल और पुद्गल से रहित इन 2 चीजों के बीच में एक अपने को डिफरेंस देख करके इस पुद्गल को सही ढंग से अगर आपको समझना है तो आगे का सूत्र पढ़ना पड़ेगा। समझ आ रहा है ना, सूत्र थोड़ा बड़ा है। शब्द बंद सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश छाया तपोद्योतवंतश्च।
है ना। शब्द ये पौद्गलिक चीज है, शब्द क्या है, भाषा वर्गणाओं से बना हुआ है ना, कर्ण इंद्री के द्वारा ग्राह्य जो होता है उसको शब्द कहते हैं। और ये शब्द जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक भाषा रूप और एक अभाषा रूप, माने जो एक लैंग्वेज के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो जिनका फॉर्मेशन लैंग्वेज के रूप में नहीं होता है। तो जो भाषा रूप होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक जिनमें कुछ अक्षर होते हैं उसे अक्षरात्मक कहते हैं, और एक जिसमें अक्षर नहीं होते उसे अनक्षरात्मक कहते हैं। तो भाषा अक्षरात्मक भी है और अनक्षरात्मक भी। जो अक्षरात्मक भाषा है वो भी जो हम अक्षर बोल रहे हैं, चाहे वो संस्कृत हो, प्राकृत हो, अपभ्रंश हो, ये सब अक्षरात्मक भाषा ही होती है और उसी को हम समझ पाते हैं, जो संगी पंचेंद्री में ही होती है। और जो अनक्षरात्मक होती है वो दो इंद्रियों से लेकर के सभी ऊपर वाले सभी जीवों में होती है। तो अनक्षरात्मक भी एक भाषा होती है, दो इंद्री, चार इंद्री, सभी जीवों की जो भाषा है ना, ये सब क्या होती है, अनक्षरात्मक। तोता मैना भी बोलते हैं, मच्छर भी आपको संगीत सुनाता है, वो सब कौन सी भाषा है उसकी, अनक्षरात्मक भाषा है। समझ आ रहा है ना। तो ये सभी शब्द हैं। और जो अभाषा थी वो अभाषा दो प्रकार की होती है, एक वैशेषिक और एक प्रायोगज, है ना। तो वैशेषिक भाषा में, वैशेषिक जो अभाषा है ना, उसमें कोई भाषा नहीं है। तो वैशेषिक में तो जैसे कोई भी जो ध्वनियाँ अपने आप बन जाती हैं, है ना, जैसे मेघों की गड़गड़ाहट है, ये वैशेषिक कहलाएगी। प्रायोगज वो कहलाएगी जो प्रयोग के माध्यम से होती है, वो तत्, वितत, सुसिर और घन के रूप, घन और सुसिर के रूप में चार भेद से बताई गई है, है ना। तत् का मतलब होता है जो चमड़े की बनी हुई चीज़ों पर, जो ड्रम वगैरह होते हैं, है ना, ढोलक, ड्रम, ये सब जो है तत् में आ जाता है। वितत में ये सब वायलिन जो होते हैं, वीणा वगैरह, ये सब वितत में आ जाते हैं, है ना। घन में जो घंटे वगैरह के जो ताल होते हैं, मंजीरा वगैरह, ये सब जो है घन में आ जाते हैं। और जो सुसिर है उसमें जो बांसुरी वगैरह होती है वो सब सुसिर में आ जाती है। ये सब अभासात्मक प्रायोगिक चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। बंध, बंध भी दो प्रकार का है, एक प्रायोगज और एक वैशेषिक, जो अपने आप बंद होते रहते हैं पुद्गल परमाणुओं के, जो तमाम तरीके के मतलब स्कंद बन रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, ये सब बंद जो है वैशेषिक है। और जो प्रायोगिक होता है, जो हम करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, वो प्रायोगिक होता है। वो कई तरीके का, जीव अजीव के साथ भी बंद होता है, अजीव अजीव का भी बंद होता है ना। एक पन्ने को एक पन्ने के साथ चिपका दिया, ये अजीव अजीव बंद हो गया। जीव के साथ में कर्म चिपक गया, ये जीव अजीव बंद हो गया। कर्म और नौकर्म जीव के साथ चिपके हुए हैं, कर्म नौकर्म रूप अजीव का जीव के साथ बंद हो गया। तो इस तरीके से बंद के ये सब बहुत सारे तरीके हैं। सूक्ष्म और स्थौल्य, है ना, सूक्ष्म का मतलब है फाइननेस, स्थौल्य का मतलब है ग्रॉसनेस। तो ये भी एक मतलब कहना चाहिए, कंपेयर करके ही आपको समझ में आ सकता है, ये है ना। कोई भी चीज़ किसी अपेक्षा से तो छोटी है और कोई चीज़ किसी अपेक्षा से स्थूल है। तो कोई भी चीज़ें ले लो, एक नारियल हो ले लो, है ना, एक नारियल है, एक नारंगी है और एक एक नींबू है, चलो बहुत अच्छी बात है ना। तो नारियल की अपेक्षा से नारंगी सूक्ष्म हो गई और नारंगी की अपेक्षा से नींबू सूक्ष्म हो गया, ठीक है ना। तो ये सूक्ष्मता का प्रकरण हो गया। और जब स्थूलता का आएगा तो नींबू की अपेक्षा से नारंगी बड़ी होगी, नारंगी की अपेक्षा से नारियल बड़ा हो गया, तो ये स्थूल हो गया। तो ये सूक्ष्म भी परिणमन और स्थूल रूप भी परिणमन, ये दोनों प्रकार के परिणमन है ना, एक सापेक्षिक होते हैं और एक अत्यंतिक होते हैं। तो जो सापेक्षिक सूक्ष्म है वो तो दो या तीन चीज़ों के बीच में घटित हो गया, और जो अत्यंतिक हो गया जो सबसे लास्ट का है वो अत्यंतिक कहलाता है। तो ये सब पुद्गल में ही घटित होता है, माने इस तरीके की सूक्ष्मता और स्थूलता हम कहाँ घटित कर सकेंगे, पुद्गल में। धर्म द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में क्या सूक्ष्म और क्या स्थूल, वो तो जैसा है सो है, सूक्ष्म है तो सूक्ष्म ही है। इसी तरीके से जीव में भी, प्योर जीव में कोई स्थूल और सूक्ष्मता घटित नहीं होती, ये हम पुद्गल में ही घटित करते हैं। इससे मोटा है या इससे मोटा है, इससे मोटा है ना, ये छोटा है या पतला है, ये सब क्या है, ये सब पुद्गल का ही सूक्ष्म और स्थौल्य बना है, ठीक है। फिर आता है संस्थान, संस्थान माने आकार, आकार दो प्रकार का, एक इत्थम भूत कहलाता है, एक अनित्थम भूत कहलाता है,
है ना। इत्थम भूत का मतलब होता है कि जैसे हम जिसकी कोई शेप बता सकें, है ना, दिस इज लाइक दिस, जैसे कि ये ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये ग्लोब है ना, ये सर्किल है, तो ये सब क्या हो गया, ये इत्थम भूत कहलाता है। अनित्थम भूत कहता है कि जिसमें कोई तरीके की शेप नहीं होती है, कुछ भी शेप बन सकती है ना, जैसे बादलों की कभी शेप आप देखते हो, कुछ भी बन जाती है, तो इस तरीके के ये अनित्थम भूत संस्थान आकार कहलाते हैं। शेप जो बनती है ये भी सब पुद्गल के ही अंदर बनती है, तो ये पुद्गल का ही ये सब फॉर्मेशन है, उसी से शेप क्रिएट होती है। तो ये शेप हो गई संस्थान के रूप में। भेद होते हैं, है ना, भेद में ये तमाम तरीके के जो भेद अपन करते रहते हैं, जैसे अगर लकड़ी का बुरादा भी बन रहा है तो वो भी भेद हो रहा है, भेद करके ही बुरादा बन रहा है ना, उसको उत्कर बोला जाता है ना। फिर जैसे हमने आटा पीस, आटा तो नहीं पीसा जाता वैसे, कहने में तो आटा ही पीसा जाता है, है ना, तो जो आटा पीसा वो आटा जो है वो क्या हो गया, वो चूर्ण कहलाता है ना। हाँ, तो वो भी हमने पीसा, जो भी गेहूं का है ना या और किसी भी ज्वार का, तो वो सब क्या हो गया, वो चूर्ण हो गया, भेद करके, ये भी भेद के प्रोसेस में ही आएगा। और फिर जो है जैसे हम किसी चीज़ के दो पीस कर लेते हैं, है कोई घड़ा है उसको टूट गया, है कोई भी चीज़ है उसके दो कट कर दिए, पीस हो गए, तो वो सब खंड कहलाता है, वो भी उसका भेद के ही एक फॉर्म है। माने हम पुद्गल के ही ये सब भेद कर सकते हैं, चूर्ण रूप में, उत्कर रूप में, ये उत्कर चूर्ण खंड है ना। फिर चूर्णिका होती है, चूर्णिका में जैसे जो दालें वगैरह होती हैं जिनके हम दल लेते हैं, है ना, एकदम से पेस्ट तो नहीं बनाया लेकिन दल ली दालें, तो वो हो गई चूर्णिका कहलाती है ना, तो वो भी भेद से ही उत्पन्न हुई। प्रतर होता है, कोई भी चीज़ है तो उसके जो है मतलब जैसे जो पटल होते हैं उसके फ्रैक्शन करते चले जाएं, या जैसे मतलब मेघ ही ले लो, है ना, तो वो तितर बितर हो गए, तो वो सब क्या कहलाएगा, प्रतर कहलाएगा। और अड़ुचटन होती है, जब लोहे को, गर्म लोहे पर जब कोई हथौड़ा मारा जाता है तो उससे जो स्फुलिंगे निकलते हैं तो वो अड़ुचटन, ये भी सब भेद के रूप में, मतलब ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब पुद्गल की ही पर्याय होती हैं। ये सब क्या बताया जा रहा है यहाँ, पुद्गल की पर्याय। पिछले सूत्र में जो बताया वो सब बताया कि पुद्गल के गुण, पुद्गल के गुण पिछले सूत्र में जो बताया उसमें क्या, पुद्गल में कौन कौन से गुण होते हैं, तो वो चार गुण होते हैं, और पुद्गल की उन कौन कौन सी पर्याय होती हैं, तो ये पर्याय दुनिया में जितनी भी दिखेंगी वो इन्हीं 10 चीज़ों में घटित हो जाएंगी। सब कितनी है, 10 पर्याय हैं, है ना। भेद, तम माने अंधकार होता है, तो अंधकार भी एक पुद्गल की ही परिणति है, जो प्रकाश का विरोधी है वो अंधकार है, जिसमें हम प्रकाश के गुण नहीं देख पाते हैं वो अंधकार हो जाता है, तो ये भी एक पुद्गल की पर्याय है, प्रकाश का जहाँ अभाव हो गया वहाँ अंधकार हो जाता है। और छाया होती है, छाया दो प्रकार की होती है, एक तो वर्ण विकार रूप छाया, है ना, जैसे कि हमारे जो फोटो वगैरह बनते हैं तो हमारा कलर कुछ होता है, फोटो में कलर कुछ और आ जाता है, तो ये सब जो है जो हम शीशा देखते हैं ये प्रतिबिंबात्मक छाया कहलाती है, पानी में जो अपना छाया पड़ती है प्रतिबिंबात्मक होती है, तो ये छाया भी जो है क्या है, पौद्गलिक है। अब हम तो यहाँ हैं सामने पर, उसकी छाया पड़ रही है, तो ये छाया उन पुद्गलों का परिणमन है जो छाया के रूप में हमें दिखाई देता है, जो शैडो जिसे हम बोलते हैं, तो ये भी उस पुद्गलों का वहाँ पर परिणमन हो रहा है जो प्रकाश के निमित्त से हो रहा है ना, तो ये छाया हो गई। और फिर आतप और उद्योत, तो आतप तो जो सूर्य के प्रकाश में होता है वो आतप कहलाता है, और जो चंद्रमा का प्रकाश होता है, जुगनू वगैरह का जो प्रकाश होता है, उसे उद्योत कहते हैं। आतप जो होता है वो आँखों को चुभता है, और जो उद्योत होता है वो आँखों को अच्छा लगता है, तो ये आतप और उद्योत कहलाता है। ये आतप नाम कर्म के भी जीव होते हैं, जिसके कारण से सूर्य की और विमानों की जो आउटर सरफेस है उसमें यह आतप नाम कर्म वाले जीव उत्पन्न होते रहते हैं, तो उसके कारण से उन जीवों के शरीर ही इस रूप में बनते हैं कि उसका आतप यहाँ तक आता है। और उद्योत भी नाम कर्म के कारण से उस शरीर को प्राप्त करता है जिसमें कि इस तरीके की चमक होती है, जुगनू वगैरह भी होते हैं चमकते हुए, सब उद्योत नाम कर्म के कारण से होते हैं। तो ये सब पुद्गलों में होने वाली चीज़ें हैं। आतपोद्योत वंतश्च, वंत का मतलब हो गया, ये एक संस्कृत का मतुप प्रत्यय कहलाता है, कि ये सब चीज़ें उसी रूप हैं, मतलब पुद्गल रूप ही हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों को पुद्गल रूप जानना, माने जितना भी हम
पुद्गल के साथ में कोई भी तरह का कार्य करते हैं वो इन 10 प्रकार की चीजों में ही घटित हो जाएगा, इसके बाहर कुछ नहीं है। समझ आ रहा है ना, 10 ही है ना, गिन लिया कि नहीं? हाँ, 10 प्रकार की पर्याय, ठीक है। तो 4 प्रकार के गुण और 10 प्रकार की पर्याय, ये पुद्गल का अपना खेल है और इसी खेल का नाम ये दुनिया का खेल है, है ना। तो इस खेल को हम समझें और पुद्गल से अपने आप को थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करें तो फिर इस खेल का भी कुछ आनंद आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना पर्याप्त। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 23 में हमने जाना कि स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पुद्गल के लक्षण है। स्पर्श सबसे पहला गुण है जो परमाणु में भी होता है, ये व्यापक है। अन्य गुण इसमें समाहित है। स्पर्श गुरु, लघु, मृदु, कठोर, ठंडा, गर्म, रूखा, चिकना, 8 प्रकार के होते हैं। रस खट्टा, मीठा, कसैला, तीखा और कड़वा होता है। गंध सुगंध और दुर्गंध 2 प्रकार की होती है। वर्ण काला, पीला, नीला, सफेद, लाल होता है। ये स्थूल है क्योंकि ना दिखने वाली गैसें भी स्पर्श आदि से जानी जाती हैं। यह स्पर्श से वर्ण तक पुद्गल की यात्रा निरंतर चलती है। इन गुणों को धारण करने वाला ही पुद्गल है। अन्य सभी अमूर्त हैं, फॉर्मलेस हैं। विज्ञान उन्हें डार्क मैटर कहता है। सूत्र 24 में हमने पुद्गल की 10 पर्याय जानी। इन्हीं में दुनिया की सभी चीजें घटित हो जाती हैं। पहली पर्याय शब्द है। ये भाषा वर्गणाओं से बनता है और कर्ण इंद्रिय द्वारा ग्राह्य होता है। शब्द भाषा और अभाषा दोनों रूप होता है। अक्षर सहित भाषा अक्षरात्मक और बिना अक्षर की भाषा अनक्षरात्मक होती है। संगी पंचेंद्रियों में अक्षरात्मक और 2 इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रियों के जीवों में अनक्षरात्मक भाषा होती है। अभाषा वैसस्रिक और प्रायोगच दोनों होती है। वैसस्रिक अभाषा भाषा नहीं ध्वनि है, जैसे मेघों की गड़गड़ाहट आदि। प्रायोगच अभाषा में अभाषात्मक प्रायोगिक चीजें प्रायोगिक होती हैं, जैसे तम में ड्रम ढोलक, वितत में वॉयलिन वीणा, घन में घंटे मंजीरा और सुशिर में बांसुरी। दूसरी पर्याय बंद है। वैसस्रिक बंद में स्कंद अपने आप बंद कर बनते रहते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर में हो रहे केमिकल रिएक्शन। प्रायोगिक बंद में हम लेबोरेटरी आदि में प्रायोगिक कार्य करते हैं। पन्ने से पन्ना चिपकना अजीब अजीब बंद हो गया और जीव से कर्म और नौकर्म चिपकना जीव अजीव बंद हो गया। तीसरी और चौथी पर्याय है सौक्षम्य यानी फाइननेस और स्थौल्य यानी ग्रॉसनेस। ये कंपेयर करके ही समझ आती है। जैसे नारियल की अपेक्षा नारंगी सूक्ष्म है और नारंगी से नींबू सूक्ष्म है, ये सापेक्षिक और अत्यंतिक होते हैं। ये सूक्ष्म और स्थूल रूप परिणमन पुद्गल में ही घटित होते हैं। पांचवी पर्याय है संस्थान मतलब आकार। उत्तम भूत संस्थान की शेप बता सकते हैं, जैसे चाकोर त्रिकोण। अनित्तम भूत संस्थान में तरीके की शेप नहीं होती, जैसे बादल। यह भी पुद्गल का ही फॉर्मेशन है और शेप उसका रूप है। छठवी पर्याय भेद है, जैसे लकड़ी का बुरादा उत्कर है, पिसा अनाज चूर्ण है, टूटे घड़े के पीस खंड है, तली हुई दालें चूर्णिका है, पटल के फ्रैक्शन प्रतर है और गर्म लोहे पर मारे हथौड़े से निकलती स्फुलिंगे अनुचट्टन है। ये सब भेद पुद्गल की पर्याय है। पुद्गल की सातवीं पर्याय है तम मतलब अंधकार। यह प्रकाश का विरोधी है, जहाँ प्रकाश का अभाव है वहाँ अंधकार है। पुद्गल की आठवीं पर्याय है छाया मतलब शैडो। ये प्रकाश के निमित्त से होती है। वर्ण विकार छाया में रंग वास्तविक रंग से अलग हो जाता है, जैसे फोटो आदि में
प्रतिबिंबात्मक छाया शीशे पानी में बनती है। पुद्गल के अंतिम दो पर्याय आताप और उद्योत है। सूर्य के प्रकाश में आताप और चंद्रमा जुगनू के प्रकाश में उद्योत होता है। आताप आंखों को चुभता है और उद्योत अच्छा लगता है। सूर्य के विमानों की आउटर सरफेस पर आताप नामकरण वाले जीव उत्पन्न होते रहते हैं। उद्योत नामकरण के कारण से जुगनू आदि को चमक वाले शरीर प्राप्त होते हैं। वन संस्कृत का मतुप प्रत्यय है, यानी ये सभी 10 चीजें पुद्गल रूप ही है। तो चलिए अब हम सभी छिन्नवाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जीर्ण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जन मन हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोख पदम पावई सासद मोख पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा, साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, मेघों की घड़घड़ाहट कौन सी अभाषा होती है? सुषिर, अक्षरात्मक व सस्रिक, घन। अध्याय 5 की कक्षा 32 के आज के सवाल का सही उत्तर है 3773। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।